समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन है। इस मौके पर उनकी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने उन्हें अपने खास अंदाज में बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही डिंपल यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस संकट काल में इस मौके पर सार्वजनिक आयोजन से बचें, इसके बजाय व्यक्तिगत स्तर पर किसी जरूरतमंद की मदद करें। अपने आधिकारिक ट्विटर से ट्वीट करते हुए डिंपल यादव ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हर साल अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन अलग अलग जिलों में पार्टी कार्यालयों पर कार्यकर्ता जुटते और केक काटकर खुशी मनाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी और चीन से तनाव के बीच इस साल पार्टी कोई तड़क भड़क नहीं कर रही है। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाने की तैयारी की है। कुछ पदाधिकारियों ने अस्पताल में फल बांटकर, अनाथालयों में भोजन कराकर और बांटकर अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव का ये 47वां जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को सैफई में हुआ था। 1999 में उनका विवाह डिंपल यादव के साथ हुआ। वो साल 2000 में पहली बार कन्नौज से चुनकर लोकसभा में पहुंचे थे। 15 मार्च 2012 में 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। 19 मार्च 2017 तक वो इस पद पर रहे।